जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे हैंड वाशिंग यानी कि हैंड वाशिंग क्या होता है, उसके बाद जानेंगे हम लोग पर्पज़ ऑफ हैंड वाशिंग यानी हैंड वाशिंग करने का, हाथ धोने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेड लीजिए हैंड वाशिंग। हैंड वाशिंग, हैंड वाशिंग का हिंदी होता है हाथ धोना। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिएगा, लिखिए हैंड वाशिंग हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ हैंड हाइजीन। यानी हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ हैंड हाइजीन विथ द हैंड आर क्लीन्ड विथ द हैंड आर क्लीन। सॉरी, यहाँ पे विच लिखिएगा, विथ नहीं, विच विच द हैंड आर क्लीन विथ द हेल्प्स ऑफ वाटर स्क्रब यानी कि रगड़ना, शॉप या डिटर्जेंट। एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ धोना। तो हैंड वॉशिंग का परिभाषा क्या है? तो हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ हैंड हाइजीन विच द हैंड आर क्लीन विथ द हेल्प्स ऑफ वाटर स्क्रब सोप या डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब हम लोग इसका हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी। तो चलिए हिंदी लिखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे ना, फिर चलिए इसे मिटाते हैं और फिर हिंदी लिखते हैं। लिखेगा हाथ धोना, हाथ की स्वच्छता की एक प्रक्रिया है
जिसमें हाथ को पानी और साबुन से रगड़ना सर्फ या एंटीसेप्टिक घोल की मदद से साफ किया जाता है। क्या साफ किया जाता है? हाथ। हाथ धोना हाथ की स्वच्छता की एक प्रक्रिया है जिसमें हाथ को पानी और साबुन से रगड़ना सर्फ या एंटीसेप्टिक घोल की मदद से साफ किया जाता है। यह हो गया आपका हिंदी से परिभाषा। और इसके पहले हम लोग देखे थे इंग्लिश से। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोने का उद्देश्य क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं, लिखते हैं पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। लिखिए पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ धोने का उद्देश्य। सबसे फर्स्ट नंबर लिखिएगा पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग हाथ धोने का उद्देश्य। हाथ धोने का क्या उद्देश्य है, मतलब कि हाथ हम लोग क्यों धोते हैं, तो इसके समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेगा टू रिमूव सोयल, टू रिमूव डस्ट यानी गंदगी, सोयल यानी मिट्टी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड। फ्रॉम हैंड यानी इसका हिंदी लिखिएगा हाथों में गंदगी मिट्टी और सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए। हम लोग हाथ क्यों धोते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट टू रिमूव डस्ट सोयल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड यानी हाथों में से गंदगी मिट्टी और सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए हाथ धोते हैं यानी हैंड वॉशिंग करते हैं। सेकंड नंबर पार्ट लिखिएगा टू रिड्यूस द एडमिशन
टू रिड्यूस द एडमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हैंड यानी कि लिखेगा इसका हिंदी हाथों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को कम करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है टू रिड्यूस द एडमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हाथों में सूक्ष्म जीवों को प्रवेश को कम करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। उसके बाद लिखेगा तीसरा नंबर तीसरा नंबर लिखिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यानी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए तीसरा नंबर क्या है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। उसके बाद चौथा नंबर लिखिएगा टू रिड्यूस द क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक दूसरे के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए चौथा नंबर टू रिड्यूस द क्रॉस इन्फेक्शन यानी कि एक दूसरे के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए। अभी एक दूसरे के माध्यम से संक्रमण कैसे फैलता है जब हम अपने मित्र सखा दोस्त किसी से भी मिलते हैं तो क्या करते हैं हम हाथ मिलाते हैं। तो जब हाथ मिलाते हैं तो जो हमारे हाथ में सूक्ष्म जीव होंगे जो बैक्टीरिया होंगे वो कहाँ चले जाएंगे उनके हाथ में चले जाएंगे जिससे क्या हो सकते हैं वो बीमार हो सकते हैं और हम भी बीमार हो सकते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं हैंड वॉशिंग करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। उसके बाद पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू WHO हैंड वॉशिंग स्टेप्स यानी कि WHO के अनुसार हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं। ये दो टॉपिक्स हम लोग अगले क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।